सेमीफाइनल में हार के बाद इन दो दिग्गजों ने टीम इंडिया का छोड़ा साथ। नमस्कार, बीते दिन विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का हार का सामना करना पड़ा। हार के साथ ही भारतीय टीम का विश्व कप सफर खत्म हो गया है। यही नहीं, हार के बाद भारतीय टीम से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। खबर है कि टीम इंडिया के दो स्पोर्ट्स स्टाफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे टीम इंडिया के फिजियो पैट्रिक पर हार्ट और टीम के फिटनेस कोच शंकर बासु, अब भारतीय क्रिकेट टीम को कोचिंग स्टाफ के इन दो अहम सदस्यों की सेवाएं नहीं मिलेगी। दरअसल पैट्रिक फरहार्ट का कॉन्ट्रैक्ट विश्व कप तक का ही था। खबर तो ये भी है कि बीसीसीआई ने इन दोनों को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन इन्होंने इसे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं जताई। फिजियो पैट्रिक फरहार्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय टीम के साथ मेरा आखिरी दिन था। हम उस तरह के प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा मैं चाहता था। मैं बीसीसीआई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे भारतीय टीम के साथ 4 साल तक काम करने का मौका दिया। भारतीय टीम और स्पोर्ट्स स्टाफ के आगे के सफर के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गौरतलब है कि सेमीफाइनल का मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान पर हुआ, जहां मैच 2 दिन में जाकर संपन्न हुआ। पहले दिन बारिश के चलते खेल पूरा नहीं हो सका। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से 18 रनों की बड़ी हार मिली और इसी के साथ खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। हार के साथ ही भारतीय टीम का विश्व कप सफर खत्म हो गया है। हार के बाद भारतीय टीम के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। खबर है कि टीम इंडिया के दो स्पोर्ट स्टाफ ने अपने पद में इस्तीफा दे दिया है। टीम इंडिया के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट और टीम के फिटनेस कोच शंकर बासु वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार के बाद इन दो दिग्गजों ने टीम इंडिया का छोड़ा साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।